नाजीस हूँ, ये मेरी दोस्त नादिया इम्तियाज है और ये मेरी दोस्त उरूज खुर्शीद। हम नर्सरी से इकट्ठी पढ़ती आ रही हैं। जो भी हम सबक पढ़ते हैं हम सारे कंप्यूटर लैब में भी जाते हैं और लैब में जाके हम अपने प्रैक्टिकल करते हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम राफिया ज़हीर है, मैं गुज़िश्ता 4 सालों से रीड फाउंडेशन में पढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ नर्सरी क्लास को पढ़ाने के साथ साथ ऑर्फन अफेयर्स को भी डील करती हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास और भी बहुत सी चॉइसेस थी, लेकिन मैंने टीचिंग को खुद चूज़ किया और नर्सरी क्लास को टीच करना मेरी पर्सनल चॉइस थी। रीड में जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा अपील किया वो यहाँ के ऑर्फन प्रोजेक्ट्स हैं। ऑर्फन्स की डेवलपमेंट और उनकी बेटरमेंट के लिए जो भी यहाँ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व किया। स्कूल के इब्तदाई दिनों में ये बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। इसकी एक वजह ये है कि वो अपने फादर्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। इन दिनों में हमें उनकी स्पेशल केयर करना होती है। हम इन बच्चों की साइको सोशल सपोर्ट और इनकी फ़िज़िकल और एजुकेशनल नीड्स को पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। हमारे 340 स्कूल्स में 8,000 से ज़ायद यतीम बच्चे फैसिलिटेट हो रहे हैं। इस कॉज में थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से फाउंडेशंस और अदारे भी हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। इन्हीं अदारों में एक रहमा इस्लामिक रिलीफ भी है। रहमा के इस प्रोजेक्ट से मुजफ्फराबाद में तकरीबन 400 से ज़ायद बच्चे फ्री एजुकेशन एंजॉय कर रहे हैं, जिनमें से 10 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में भी हैं। क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि ट्रीज़ कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और हमारी ज़िंदगी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही कोई ऑर्फन हमारे स्कूल में आता है हम सबसे पहले उसकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हम डोनर को अपील करते हैं। मैं नर्सरी से इस स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत अच्छी तालीम देते हैं। मैं बड़ी होकर बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ और इंशाल्लाह मैं अपनी ये मंजिल हासिल करके रहूँगी। मैं क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ और मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इन बच्चों की लुक आफ्टर और केयर जहाँ हमारे लिए दुनिया में इत्मीनान का बाइस है, वहीं मुझे यकीन है कि ये आखिरत में भी हमारी फलाह और निजात का बाइस बनेगा। थैंक यू रहमा इस्लामिक रिलीफ।